यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर मैक्स की कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आप यूज़ करते हो ना अपने गेम प्ले के अंदर। तो अगर आपका देखो डिवाइस लैग करता है अगर फ्री फायर मैक्स खेलते हो तो लैग तो नहीं करेगा, वो लैग सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आप देखो अच्छी तरीके से गेम प्ले नहीं कर पाते हो, आपका ड्रैग वगैरह अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, आप देखो मतलब बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है आपसे, मतलब देखो ग्लूवाल वगैरह अच्छी तरीके से नहीं लगते, तो सभी के सभी कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। गाइस इस वीडियो में पूरा देखो सेटिंग प्रीव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को मिस मत करना। अभी सरप्राइज डिवाइस के हिसाब से बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। तो गाइस फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज भाई लोग कर देना, और चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट। तो गाइस फर्स्ट में बात करेंगे, अगर आप वेपेफ मैक्स खेलते हो तो आपको देखो सेंसिटिविटी के अंदर आना है। मैक्स में ना देखो सेंसिटिविटी फ्री फायर के बजाय थोड़ी सी देखो ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपको सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम करके रखनी है। इस टाइप की कुछ रख सकते हो आप, बैक में देख सकते हो 198 100 100 और 63 और 55, ठीक है, बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो गाइस यार कंट्रोल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये एम प्रिकॉशन का होता है, इसको डिफॉल्ट पे रखना हमेशा, ये बात ध्यान में रखना। पिसाइडोन स्कोप और फुल कंट्रोल की तो अपन को देखना भी नहीं है, ठीक है, मतलब डिफॉल्ट पे रखना है। और लेफ्ट वाले बटन की बात कर ली जाए तो आप टू फिंगर खेलते हो तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट ही, मतलब मेरा सीधे बोलने का मतलब है कि थर्ड थ्री फिंगर खेलते हो तो आपको ऑलवेज ऑन कर लेना है, और टू फिंगर खेलते हो तो लेफ्ट फायर बटन पे रख लेना है, ठीक है। और क्विक स्विच ओपन बटन की बात कर ली जाए तो इसको ऑन ही रखना है हमेशा, और क्विक रिलोड बटन को ऑफ रखना है हमेशा, और देखो होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन रखना है, ठीक है, ये AWM चलाओगे तो बहुत ज़्यादा काम देगी। और देख सकते हो कुछ इस टाइप की कर लेना, आप देख सकते हो आप आसानी से बैक में आप स्लो मोशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। और गाइस मॉन्टेजेस वगैरह बनाते हो तो आप देखो डार्क और नो ब्लड की जगह मतलब डार्क और क्लासिक भी कर सकते हो। तो गाइस फाइनली बढ़ते हैं ऑटो पिकअप के अंदर, कुछ इस टाइप की सेटिंग्स कर लेनी आपको, तो आप देखो ड्रम वगैरह ऐसा कुछ इक्विप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो सही रहेगा आपके लिए, तो ये कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस डिस्प्ले के अंदर आना है, अगर आपके पास 4 या 4 GB से कम है ना तो स्टैंडर्ड या स्मूथ की तरफ जा सकते हो, ठीक है, बेस्ट रहेगा। और अगर 4 GB 6 GB से ऊपर है ना, मतलब 4 GB छोड़ के 6 GB से ऊपर तो आप अल्ट्रा और अल्ट्रा मैक्स की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, बेस्ट रहेगा ये आपके लिए, और डिवाइस के हिसाब से बताया तो सही रहेगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली बात करेंगे, हाई FPS का ऑप्शन होता है, इसको हमेशा हाई पे करके रखना है, क्योंकि देखो अगर आप स्मूथ खेलते हो तो भी हाई पे करके ही रखना है इसको, ये बात ध्यान में रखना मेरे, ठीक है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और नोच स्क्रीन का, अगर आपके पास नोच वाला डिवाइस है मतलब ऊपर से थोड़ा सा कैमरा वगैरह आता है, ठीक है, तो उसको नोच ऑन करके खेल सकते हो, ठीक है। और म्यूजिक को ऑलवेज बंद करके रखना है, ठीक है, म्यूजिक फुल करके खेलते हो मतलब ऊपर वाला म्यूजिक, ठीक है, उसको फुल करके खेलते हो तो आपका लेग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, तो आपको बंद कम ही करके खेलना है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो गाइज मैं होप करता हूँ आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना आपको अच्छा लगा होगा, मैं होप करता हूँ। तो वीडियो हेल्पफुल लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, और गाइस इस वीडियो का लाइक रखते हैं 450 लाइक जल्दी से कंप्लीट करवा देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। तो गाइज यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गाइज लव यू ऑल ऑफ यू।